जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हमें हैं राहुल जवान। और अभी एक बड़े मजे की बात सामने आई है कि धीरे धीरे जो बीटल वाला चित्तीदार केला है उसकी डिमांड बढ़ गई है। ये चित्ती देख रहे हो, ऐसी चित्ती केले के ऊपर होती है। इसकी डिमांड आई है हमारे पास बाहर से, विदेश से, कि आप हमें चित्तीदार केला दीजिए, लेकिन वो रसायन फ्री होना चाहिए। तो अब जो उपभोक्ता हैं आप लोग, अगर ये केला खाना शुरू कर देते हो चित्तीदार, चित्ती मतलब एक केले का जब फल निकलता है उस समय पे एक छोटा सा कीड़ा खटमल जैसा वो केले के ऊपर बैठ करके उसको निशान मारता है धीरे से। तो वो केवल केले के जो ऊपर का क्लोरोफिल है फली का, उसको नुकसान देता है। इससे अंदर फल को कोई नुकसान नहीं है। और आप जब केला लेके आते हैं तो छील करके अंदर का खाते हैं, बाहर का छिलका फेंक देते हैं। अगर ये छिलका खा भी लोगे तो भी कोई नुकसान नहीं है। अब ये केले के ऊपर दाग ना पड़े इसके लिए किसान भयंकर रासायनिक प्रयोग करता है, बहुत खतरनाक तरीके के जहर प्रयोग करता है, और वो जहर फल के अंदर भी जाता है। इसी कारण भारत का केला बाहर एक्सपोर्ट नहीं होता है। उसके अलावा किसान की एक अपनी, एक तो पैसा खर्च हो रहा है, दूसरा भैया उसका सारा का सारा ना तो माल बिकता है, मतलब कुल मिलाकर उसको मारना मजबूरी है। इसमें किसान भी मर रहा है, हमारे मित्र कीट भी मर रहे हैं, हम नेचर को भी मार रहे हैं कहीं ना कहीं से। और हम इसका जो दुष्परिणाम है वो कैंसर के रूप में, बढ़ते टेम्परेचर के रूप में, और आने वाली नई नई बीमारियों के रूप में देख रहे हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप जब केला खाएं तो ठेले पे जाके उसको पूछें कि हमें ये चित्तीदार केला चाहिए इस टाइप का। मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि आप, हमें चित्तीदार केला चाहिए भैया जिसपे दाग लगा, बीटल नाम याद रखिएगा आप, ये बीटल वाला केला हमें चाहिए। जिस केले पे बीटल होगा आप समझिए वो केला जो है वो जहर मुक्त होगा, क्योंकि बीटल अगर नहीं हुआ तो बीटल को भगाने के लिए बहुत कुछ मारा जाता है भयंकर, और हार्ड कीड़ा है ये, तो हार्ड से हार्ड रासायनिक प्रयोग किए जाते हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपको जहर खाना है तो बोलिए चिकना फर्स्ट क्लास केला दे, और आपको अगर जहर नहीं खाना है और आपको एकदम शुद्ध केला चाहिए तो भैया चित्तीदार केला ठेले वाले से आज ही मांगो, ठीक है। और मैं आपको एक भैया से मिलाऊंगा यहाँ पे जो खेती कर रहे हैं यहाँ पे साथ में सह फसली की, केले के साथ। हम इस समय लखीमपुर के निघासन में शुक्ला जी के साथ, और भैया से मैं पूरा परिचय कराऊंगा, उसके बाद भैया जी जो है आगे बताएंगे कि हम किस तरीके से इस खेती को कर रहे हैं। भैया जी आपका पूरा परिचय बताइए। मैं संजय शुक्ला, लखीमपुर जिला से, तहसील निघासन, ग्राम बरोठा। हमारे यहाँ हमारे सानिध्य में हमारे जो छोटे भाई हमारे गाँव के राकेश भैया है, थोड़ा जानकारी लेके हमारे सानिध्य में मिश्रित खेती शुरू की है। इनसे इनको अच्छा लाभ भी हुआ है, जो ये इसके 6x6 पे केला लगाए हैं और उसमें 6x6 पे ये बैंगन भी लगाए हैं, बैंगन से इनको लाभ भी हुआ है। और जो केले का पैसा है, जो केले में लागत है, वो ये बैंगन से निकाल लेंगे। तो ये कितना निकाल चुके भैया? बैंगन कितने बाई कितने पे था इधर? बैंगन कितने बाई कितने पे लगा है? इधर दिखाओ, ये दिखाओ, बहुत अच्छा बैंगन लगा है इसका। बैंगन भी 6x6 पे है भैया का, बहुत शानदार। अब बहुत शानदार बैंगन है ये, और इसमें इन्होंने 15,000 रुपए का बैंगन सेल भी कर चुके हैं। ये बीघा है, एक बीघा का है मात्र, अपने यहाँ का छोटा बीघा होता है। इधर दिखाओ तो, एक बीघे का है। ये देखिए बैंगन कितना अच्छा बैंगन लगा हुआ है, ये देखिए। अरे वाह साला, ये किसान को आज की तारीख में करना पड़ेगा, नहीं तो हमें लोग मार के खा जाएंगे अगर हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। बहुत शानदार। तो इसमें लगभग 1 एकड़ के 50-60 हजार। हमारे भी एक ओम अहलावत जी हैं और एक बिजेंद्र सिंह जी हैं, ये दोनों भाई मिलकर खेती कर रहे हैं बिजनौर जिले में। इधर आ जाओ भैया, हमारे यहाँ भी है एक, तो हमने भी ये प्रैक्टिकल किया। तो उन्होंने ये बैंगन और मिर्ची ये मिला करके एकड़ में 50 से 60 हजार का बेच दिया। तो ये किसान जब करेगा, अब ये बताओ ये जमीन खाली तो पड़ी है, अब यहाँ पे ना तो केले की जड़े हैं, ना उसकी जड़े, ना इसकी। इन्होंने बहुत दिमाग लगाया है, बीच में चारों तरफ के बीच में इन्होंने केला लगाया है, ये सॉरी बैंगन, बैंगन। तो इससे केले को कोई लेना देना नहीं, ठीक है। और ना यहाँ पे कोई न्यूट्रिशन का मतलब, केला भी बढ़िया चल रहा है। ये कब लगाया था आपने? ये 22 जून को लगाया। कौन सी प्रजाति है ये? नहीं वो तो केला हो गया, ये बैंगन। बैंगन ये बीज कहाँ से लाए? बीज यहाँ से ढकरवा से लिए थे, दुकान पे से। दुकान से? तो नर्सरी खुद की थी या बीज अपने आप डाले थे? बीज अपने आप बोए नर्सरी। अच्छा, हम आपको एक चीज बताते हैं, इसके ऊपर ना आप ये देखो, जैसे इस पर लगाए तो आप मिट्टी का स्प्रे करें 200 लीटर पानी में, शुक्ला जी बता देंगे आपको, 20 किलो मिट्टी, उसके अंदर 250 ग्राम सीरा या आधा लीटर सीरा या गुड़, 4 चम्मच हल्दी, और गौमूत्र या भैंस का मूत्र है तो 2 लीटर, नहीं है तो कोई बात नहीं, और 100 ग्राम फिटकरी, इन सबको मिला के 2 दिन रख दो, उसके बाद यहीं खेत पर रख दो,
डंडे से चलाओ और 20 मिनट उसको बैठने दो नीचे, ऊपर ऊपर का पानी लेना है केवल, और उसको छानते जाओ, स्प्रे करते जाओ बढ़िया से, आप देखोगे कि चमत्कार हो जाएगा, कीड़े वीड़े सब फंगस वंगस खत्म, फ्री की चीज है, इसको करो फिर हम इसका रिजल्ट जरूर बताना। हमारा नंबर है आपके पास? आपने कार्ड दिया? हाँ, वो कार्ड हमारा रखिएगा और हमसे संपर्क में रहिएगा। बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया।